हेलो फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे है, एक्सरसाइज का दिन है, तो हम एक्सरसाइज करेंगे। आज का एक्सरसाइज हमारा फिर वही सीनियर सिटीजन्स के लिए है, क्योंकि यंग पीपल तो आप देखिए कहीं भी दौड़ते धूपते कुछ भी कर लेते हैं। यंग ओल्ड पीपल लोगों का, सीनियर सिटीजन जो कि बेड रिडन है या फिर मूवमेंट उनकी बहुत कम है, तो उनके साथ होता क्या है ना कि उनके जो बॉडी के ऑर्गेन्स है वो सब रिलैक्स मूड में रहते हैं, काम की उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो हमने यही देखना है कि हम उनकी वर्किंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए बाकी के ऑर्गेन्स तो आपके काम कर ही रहे हैं, लंग्स थोड़े ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। हमने हमारे लंग्स को काम करने की कैपेसिटी बढ़ानी है, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाए बॉडी के, उस कैपेसिटी को बढ़ाना है। जितना स्लो एंड सॉफ्ट एक्सहेल होता है हमने उसको उतना बढ़ाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम अपना हाथ जो है, पर हम एक बात तो बताना ही भूल गए, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक तो आप कर ही दोगे, क्योंकि ये आपके घर के बड़ों की फ़ायदे की बात कर रही हूँ मैं, फाइन। तो पहली एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो हमने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है, ठीक है ना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज चल रही है हमारी, तो हम सबसे पहले अपने कंधों को वार्मिंग अप आप कर लीजिए। पहले अपने पेट पे हाथ रख के लंबी सी सांस लीजिएगा जो कि आपके पेट तक पहुँचे, और उसको छोड़ना कैसे है, मुंह बंद करके, ठीक है ना। आपका पेट आपको लगना चाहिए कि बाहर आ रहा है हवा भरने के बाद, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, ये 8-10 बार करिए, आपकी वार्मिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। अब आपने क्या करना, अपने कंधों को इतना ऊंचा लेके जाना जो कि कान तक कम से कम पहुंच जाए, और तब आपने सांस अंदर लेनी है, और उसके बाद मुंह से आपने सांस छोड़नी है, और बहुत धीरे 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 छोड़नी है, और उसी तरह से मुंह बंद करके, यानी कि छोटा सा मुंह करके, ठीक है। बहुत रिलैक्स्ड मूड में आपने इसको छोड़ना है, ठीक। अब इसी तरह से आपने इसको करना है, आठ से दस बार इसको करिए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आप अपने हाथ इस तरह से बाहर निकालिए, ठीक। और ऐसे सोचिए कि आप पानी में हो, और आपने पानी को यूं आगे धकेलना है, आगे यूं हटाना पानी को, ठीक है। तो यही आपकी आज की ये तीसरी एक्सरसाइज रहेगी, स्ट्रेच योर हैंड। और जब आप स्ट्रेच कर रहे हो, यूं कर रहे हो, तो आपने सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है, नाक से सांस लेना है, मुँह से बाहर छोड़ना, ठीक है। कैसा लगा कि आपने मेरे साथ करके देखिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो आपने अपने हाथ सामने रखना है और इसको अपनी तरफ से घुमाना। पहले आपने यूं करके बाहर से अंदर लाए थे, पीछे से सामने लाए थे, अब सामने से पीछे लेके जाना, पर अपने हाथ के सामने से। ये होगी आपकी एक्सरसाइज, फाइन, ठीक है ना। अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको आपने क्या करना, सांस राइट हैंड पे लोगे, राइट हैंड से आप ऐसे करोगे जैसे आप हवा पकड़ रहे हो, फिर लेफ्ट हैंड से आपने ऐसे करना जैसे आप हवा पकड़ रहे हो अपने लिए, ठीक है ना। तो राइट हैंड से पकड़ोगे और छोड़ोगे, फिर लेफ्ट हैंड से पकड़ोगे छोड़ोगे। अब आप ये देखिएगा इन एक्सरसाइजेस से क्या फ़ायदा है,
इन एक्सरसाइजेस से क्या फ़ायदा है कि आपके बॉडी के मसल्स भी काम कर रहे हैं, लंग्स भी काम कर रहे हैं, माउथ के मसल्स भी काम कर रहे हैं, इजंट इट? यूं किया, उसके बाद नीचे से भी आप पकड़ सकते हो, साइड से भी आप ले सकते हो हवा को, इस तरह से आप 4-5 बार 6 बार लगातार करिए एवरीथिंग। यानी कि आपको खुद महसूस होगा कि आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बॉडी में किस तरह से जा रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, एंड आई कैन फील दैट फ्लो ऑफ ब्लड इन माई आर्म्स। मुझे फील हो रहा है कि मेरे फिंगर टिप्स तक ब्लड कैसे जा रहा है। पूरा नाइस, वेरी नाइस ब्लड सर्कुलेशन। जितना सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा, इसका मतलब आपकी ऑक्सीजन उतनी डीप अंदर तक जा रही है। फॉलोड? ओके, तो ये एक्सरसाइजेस आप करिएगा टर्न बाय टर्न। और हाँ, रोज एक जैसी एक्सरसाइज मत करिएगा, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज आपके कुछ मसल्स को हिलाती है, कुछ एक्सरसाइजेस आपके कुछ मसल्स को एक्सरसाइज करवाती है। तो अगर एक ही किस्म की एक्सरसाइज आप रोज करोगे तो वही मसल्स एक्सरसाइज होंगे, बाकी के मसल्स ढीले पड़ जाएंगे। तो आपने अपनी बॉडी के हर मसल को एक्टिवेट करना है, लंग्स को एक्टिवेट करना है, ब्लड से आपको ऑक्सीजन पूरे बॉडी तक पहुंचाना है। ओके, एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ नए लोगों से, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।